अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ट्विटर पर किसी यूजर को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने कहा है कि कानून में संशोधन किए बिना किसी यूजर को ब्लॉक करना ठीक नहीं है। न्यूयॉर्क की एक अदालत ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब ट्विटर पर किसी यूजर को ब्लॉक नहीं कर सकेंगे। अदालत ने 60 ट्विटर फॉलोअर्स के एक समूह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। वैचारिक मतभेद के चलते इन 7 यूजर्स को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद इन्होंने एक समूह बनाकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं की दलील थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर उनकी आलोचनाओं का जवाब देने की बजाय उन्हें ब्लॉक कर दिया, जिसे न्यूयॉर्क सदर्न डिस्ट्रिक्ट के जज ने गलत माना है। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्विटर पर किसी यूजर को ब्लॉक करना एक नागरिक की अभिव्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन है और संविधान में संशोधन के बिना ऐसा करना ठीक नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि कोई भी सरकार कानून से ऊपर नहीं है। कम्युनिकेशन के स्नैप प्लेटफॉर्म ट्विटर पर दुनिया भर के 30 करोड़ से ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। इनमें से 7 करोड़ यूजर्स अकेले अमेरिका में ही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पर 5 करोड़ से ज्यादा यूजर्स फॉलो करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।